प्रश्नावली 10.4 हम लोग शुरू करते हैं। ये दो सदिशों का सदिश गुणनफल यानी दो वेक्टर ए और बी के क्रॉस प्रोडक्ट पे आधारित आपका ये पूरा एक्सरसाइज होगा। तो पहला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, यदि वेक्टर ए बराबर आई माइनस 7j+7k और वेक्टर बी इक्वल टू 3i-2j+2k तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मॉडुलस ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा इसमें पॉइंट लगेगा हम लोगों का, हमको पता है कि दो वेक्टर ए और बी अगर जो है घटक फॉर्म में दिए हों, चलिए जो कॉन्सेप्ट यूज होगा आपका पहले यहाँ पे लिख देते हैं। अगर हमारा हमको पता है कि एक वेक्टर हमारा ए इक्वल टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के है और एक वेक्टर बी इक्वल टू हमारा बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के है, तो ए क्रॉस बी वेक्टर हमारा क्या होता है, इसको हम लोग सारणिक फॉर्म में याद रखते हैं, आई जे के लिखिए, आई के नीचे पहले वाले वेक्टर का आई का गुणांक, जे के नीचे पहले वाले वेक्टर का जे के गुणांक, के का गुणांक फिर दूसरे वेक्टर का बी वन बी टू बी थ्री, ये सारणिक हम लोग याद रखते हैं और इसको ओपन करने का तरीका भी हमको पता है। तो इसी फार्मूले को से हम लोग आगे बढ़ते हैं, इस साइड में आपका जो थ्योरी यूज होगा वो रहेगा। तो ए इक्वल टू हमारा है आई कैप माइनस 7j+7k और बी इक्वल टू है हमारा 3i-2j+2k, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू पहले हम लोग डिटर्मिनेंट फॉर्म में लिखें आई कैप जे कैप के कैप, फिर ए में आई का गुणांक है 1, जे का गुणांक है -7 और के का गुणांक है 7, बी वाले वेक्टर में आई का गुणांक है 3, जे का गुणांक है -2 और के का गुणांक है 2, ये हमारा डिटर्मिनेंट हो गया। दिस इक्वल टू इसको ओपन करेंगे हम लोग, तो पहला स्टेप आई, अब आई हमारा जिस रो और कॉलम में है उसको हम लोग भूल जाएंगे, तो ये हम भूल गए, आई जिस रो और कॉलम में है वो दोनों आप भूल जाइए। फिर यहाँ पे -7 × 2 - -2 × 7 इस तरीके से आप लिखेंगे, तो आई इंटू हम लोग क्या लिखेंगे -7 × 2 - -7 × 2 - ये क्या हो जाएगा -2 × 7, ये हमारा आई वाला ख़त्म। अगला टर्म हमारा जे वाला होता है, ये माइनस के साथ होता है, अब जे हमारा जिस रो कॉलम में है वो ख़त्म हो जाएगा, तो अब हमारा क्या होगा 1 × 2 - 3 × 7, तो ये हमारा हो जाएगा 1 × 2 - 3 × 7 प्लस के कैप, अब के कैप हमारा जिस रो कॉलम में होगा उसको हम लोग भूल जाएंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 1 × -2 - 3 × -7, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे 1 × -2 - 3 × -7, इसी को हम लोग सॉल्व कर लें, तो दिस इक्वल टू आई इंटू ये हो गया -14 और -14 ये भी हो जाएगा और -- प्लस हो जाएगा, तो -14 + 14 ये हो गया -j·2 - 21 + k·-2 और -21 होगा तो ये +21 हमारा हो गया, तो दिस इक्वल टू -14 + 14 हमारा 0 आई कैप माइनस 2 से 21 गएगा -19 और यहाँ पे एक माइनस है तो ये हमारा हो जाएगा +19j और +19k।
ठीक है, तो ए क्रॉस बी इक्वल टू हमारा ये हो गया, तब ए क्रॉस बी वेक्टर हम लोगों ने फॉर्म कर लिया, ये हमारा हो गया 19i 0i + 19j + 19k। अब ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड हमको निकालना है मॉड, तो अंडर रूट किसी भी वेक्टर का निकालने के लिए i के गुणांक का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर, दिस इक्वल टू अंडर रूट 19 का वर्ग प्लस 19 का वर्ग। अब ये हमारा अगर 19 जो है अंडर रूट से 19 बाहर निकालेंगे 19 का वर्ग, तो बाहर हमारा 19 आएगा और यहाँ क्या बचेगा 1 प्लस 1, तो ये हो गया हमारा आंसर 19√2, यानी ए क्रॉस बी वेक्टर का जो मॉडुलस आ गया हमारा 19√2। तो ये सिंपल सा तरीके से हम लोगों ने ए क्रॉस बी निकाल लिया। दो वेक्टर अगर आपके घटक फॉर्म में दिए हों तो ए क्रॉस बी निकालने के लिए आप आई जे के a1 a2 a3, यानी पहले वाले का i का गुणांक, j का गुणांक, k का गुणांक, नीचे दूसरे का i j k का गुणांक, और इस हिसाब से आप एक्सपेंड करके निकाल सकते हैं कैसा भी आपका वेक्टर दिया हो। सेकेंड क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, सदिश a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात कीजिए, जहां a बराबर 2i + 2j + 3k और b इक्वल टू i + 2j - k। तो सबसे पहले हम लोग सदिश a प्लस बी और a माइनस बी फॉर्म करेंगे, फिर हम आगे बात करेंगे, क्योंकि a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश ज्ञात करना है। तो हमारा a वेक्टर है 3i + 2j, यहां पे जो क्वेश्चन में है 3i + 2j + 2k, ये 2 है हमारा, और b इक्वल टू i + 2j - k, तो ये हमारा हो गया 3i + 2j + 2k और b इक्वल टू हमारा हो गया i + 2j - 2k। सबसे पहले हम लोग a प्लस बी और a माइनस बी वेक्टर फॉर्म तो करें पहले, फिर आगे बात करते हैं। तो a प्लस बी वेक्टर हमारा हो जाएगा 3i + 2j + 2k + i + 2j - 2k। तो a प्लस बी यहाँ से हमारा हो गया, i वाला i के साथ जुड़ जाएगा, 3i और i मिलके 4i और 2j मिलके 4j और 2k + 2k - 0k हो जाएगा। a प्लस बी हमारा ये मिल गया, और a माइनस बी हम लोग फॉर्म करें तो a हमारा है 3i + 2j + 2k, a माइनस बी a माइनस बी, बी की जगह पे हम लोग रखेंगे i + 2j - 2k। तो a माइनस बी बराबर हमारा हो गया 3i + 2j + 2k - i - 2j + 2k। 3i से i गया 2i और 2j फिर ख़त्म हो गया, 0j हो गया, और 2k + हमारा हो गया 4k। तो a प्लस बी और a माइनस बी वेक्टर हम लोगों ने फॉर्म कर लिया। अब हमको क्या चाहिए, a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश। तो सिंपल सा इसमें जो है कॉन्सेप्ट आपका यूज होगा, देखिए यहां पे दो एक वेक्टर a है और एक वेक्टर b है, इन दोनों के बीच का एंगल अगर थीटा है तो a क्रॉस b जो हम लोग लिखते हैं, a क्रॉस b कैसे डिफाइन किया जाता है, आपका मॉड a मॉड b साइन थीटा और n कैप, जहां n कैप हमारा क्या होता है, n कैप एकांक सदिश है जो a तथा b दोनों पर
लंब है, और ए वेक्टर बी वेक्टर एन कैप दक्षिणावर्ती पद्धति फॉर्म करते हैं। तो ए क्रॉस बी की दिशा क्या होती है, ए के डायरेक्शन में आप दाएं हाथ की उंगलियों को करें, बी की दिशा में करें जो अंगूठा होगा। तो यहां पे ए क्रॉस बी हमारा इस कागज वाला जो तल है उसके ऊपर आ रहा है, तो इसको हम लोग ऐसे डॉट 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 ऐसे दिखा देते हैं एन कैप, ठीक है। और जो इसके नीचे होगा माइनस एन कैप, वो भी हमारा क्या होगा, ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होगा। यानी ए क्रॉस बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी साइन थीटा एन कैप अगर हम लिखते हैं, तो ये जो एन कैप होता है ये एकांक सदिश होता है जो दोनों वेक्टर ए और बी दोनों के परपेंडिकुलर होता है। तो यहां पे हमको ए प्लस बी और ए माइनस बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश निकालना है। यानी एन कैप वेक्टर हमारा क्या होता है, ए क्रॉस बी की दिशा एन कैप की दिशा में होती है। ये भी पता है हम लोगों का, जो ए क्रॉस बी होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर की दिशा एन कैप की दिशा में होती है। तो अगर आपको दो वेक्टर ए और बी दिया है, तो आप ए क्रॉस बी अगर निकालें, तो ए क्रॉस बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड तो कुछ भी हो सकता है, लेकिन डायरेक्शन जो होगा वो दोनों वेक्टर ए और बी के परपेंडिकुलर होगा। ये एन कैप ही हमारा क्या होता है, ए क्रॉस बी की दिशा, ठीक है। तो लंब हमको ए प्लस बी वेक्टर और ए माइनस बी वेक्टर दोनों पे लंब वेक्टर चाहिए और एक मात्रक सदिश चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग लंब वेक्टर निकाल लेते हैं, फिर मात्रक सदिश हमको निकालना पता है कि किसी भी वेक्टर में उसी के परिमाण से डिवाइड कर देते हैं, तो हमको एकांक सदिश पता चल जाता है। तो यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट हमारा यूज होगा कि दो वेक्टर ए और बी हैं, दोनों पर अगर आपको लंब सदिश पूछा जाए तो प्लस माइनस ए क्रॉस बी, क्योंकि ए क्रॉस बी जो ऊपर वाला होगा वो भी लंब होगा, और जो माइनस ए क्रॉस बी होगा ये भी क्या होगा, लंब होगा, ठीक है। ऊपर वाला जो डायरेक्शन यहाँ पे आ रहा है कि ए बी एन कैप दक्षिणावर्ती पद्धति बना रहे हैं, तो ए क्रॉस बी जो यानी दो वेक्टर आपके देखिए ए और बी हैं, ये दो वेक्टर ए और बी हैं, तो इनपे लंब जो है दो दिशाएं हो सकती है, एक तो ऊपर की ओर हो गई और एक लंब हो गया नीचे की ओर, और इन दोनों में से एक हमारा ए क्रॉस बी रिप्रेजेंट करेगा की दिशा और एक हमारा माइनस ए क्रॉस बी की दिशा। तो थ्योरी के रूप में यहां पर लिख देते हैं कि दो सदिश ए और बी की लंब दिशा में मात्रक सदिश बराबर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों पे लंब होगा, तो कौन सा वेक्टर होता है, ए क्रॉस बी वेक्टर भी ए बी पर लंब होता है, प्लस वाला भी और माइनस वाला भी लंब होता है। यानी अगर माइनस ए क्रॉस बी वेक्टर लिया जाए तो वो भी हमारा ए क्रॉस बी ए और बी दोनों पर लंब होता है। और मात्रक अगर सदिश चाहिए तो ए क्रॉस बी सदिश में अगर हम लोग ए क्रॉस बी के मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो ये हमारा मात्रक सदिश हो जाएगा। तो ये हमारा फार्मूला हो गया आपका ये कि दो सदिश ए और बी के लंब दिशा में जो मात्रक सदिश होगा ए क्रॉस बी अपॉन मॉडुलस ऑफ ए क्रॉस बी और प्लस माइनस दोनों होगा। ये आपको पूरा समझना भी होगा, उसके बाद ये सिंपल सा पॉइंट आपका होके रह जाता है। ए क्रॉस बी हमारा क्या होता है, एन कैप की दिशा में होता है, एन कैप हमारा ए और बी दोनों पे लंब होता है, और माइनस एन कैप भी हमारा ए और बी दोनों पे लंब होता है। तो प्लस माइनस इसीलिए हम लोगों ने किया कि ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस बी जो होगा वो भी लंब होगा, और माइनस ए क्रॉस बी वो भी लंब होगा, और ए क्रॉस बी के मॉडुलस से डिवाइड कर दें तो हम दो सदिश के लंब दिशा में मात्रक सदिश निकाल सकते हैं। तो अब हम लोग अपने ओरिजिनल क्वेश्चन पर आते हैं। तो फिर से हम लोग जो है अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर लेते हैं कि दो वेक्टर ए और बी
दोनों पे लंब वेक्टर, दोनों पे लंब हो और मात्रक सदिश हो, तो a क्रॉस प्लस माइनस a क्रॉस b अपॉन मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b। तो अपने हम लोग ओरिजिनल क्वेश्चन पे आते हैं, हमारा वहाँ पे a प्लस b वेक्टर जो दिया था, यहाँ पे हम लोगों ने मुझे a प्लस b वेक्टर निकाला था, ये 4i प्लस 4j प्लस 0k है, तो a प्लस b हमारा 4i प्लस 4j प्लस 0k है, और a माइनस b वेक्टर हमारा क्या आया था, 2i प्लस 0j प्लस 4k। तो ये सिंपल सी बात हो गई, a प्लस b वेक्टर और a माइनस b वेक्टर हमको पता है, तो अब हम लोग लिखेंगे सदिश a प्लस बी और a प्लस बी और a माइनस बी की लंब दिशा में, की लंब दिशा में मात्रक सदिश बराबर हम लोग क्या लिखेंगे, प्लस माइनस, और जो दो वेक्टर जिनके लंब हमको निकालना है, तो यहाँ पे क्या है, a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, ये जो दोनों वेक्टर यहाँ पे a प्लस बी हैं, और अपॉन मॉडुलस ऑफ a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी का मॉडुलस। तो हम लोगों ने वही फार्मूला यूज किया कि दो सदिश a और b पर लंब दिशा में मात्रक सदिश प्लस माइनस a क्रॉस b अपॉन मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b। तो यहां से अब हम लोग निकालते हैं a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी, दोनों का पहले हम लोग क्रॉस प्रोडक्ट निकालें, तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, i कैप j कैप k कैप, और a प्लस बी में i का गुणांक 4, j का गुणांक 4, k का गुणांक 0, a माइनस बी में i का गुणांक 0, j का गुणांक i का गुणांक 2, j का गुणांक 0 और k का गुणांक 4, ये हमारा सारणिक हो गया। अब इसको हम लोग जब ओपन करेंगे तो i इंटू, अब i जिसमें रो और कॉलम में है वो हमारा ख़त्म हो गया, ये तो ये हमारा हो जाएगा 4 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 0, तो i इंटू 4 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 0। अगला टर्म हमारा j वाला माइनस में रहता है, अब j जिसमें है वो हमारा ख़त्म हो गया, तो ये क्या होगा, 4 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 2, 4 इंटू 4 माइनस 0 इंटू 2 प्लस k कैप, अब k जिस रो कॉलम में है वो ख़त्म हो गया, तो ये हमारा होगा 4 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 4, तो ये हो गया हमारा 4 इंटू 0 माइनस 2 इंटू 4। दिस इक्वल टू हमारा सिंपल सा हो जाएगा i, और ये 16 माइनस 0 16 होगा, तो ये 16i माइनस, ये 16 माइनस 0 इंटू समथिंग 0 इंटू 2 ये लिखा है, तो 0 हो जाएगा, और ये माइनस 16j माइनस 8k माइनस 8k। अब इसका हम लोग मैग्नीट्यूड निकाल लेते हैं, परिमाण, यानी a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी जो वेक्टर है, इसका परिमाण हमारा क्या हो जाएगा, i के गुणांक का स्क्वायर यानी 16 का स्क्वायर प्लस j के गुणांक का स्क्वायर प्लस k के गुणांक का स्क्वायर 8 का स्क्वायर, तो ये हमारा हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस माइनस 16 का स्क्वायर भी क्या हो जाएगा, प्लस 16 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो दिस इक्वल टू 16 के स्क्वायर को हम लोग क्या लिख सकते हैं, 16 को हम लोग क्या लिख देंगे, 8 गुणे 2, तो 8 गुणे 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 गुणे 2 का होल स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर,
तो अंडर रूट के अंदर अगर हम लोग 8 का स्क्वायर बाहर निकालें तो यहाँ 2 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ भी 2 का स्क्वायर बचेगा और यहाँ 1 बचेगा और ये 8 अंडर रूट के बाहर जाएगा और ये 2 दूनी 4, 4 8 और 1 9 और 9 का वर्गमूल 3, तो ये 8 त्रिक 24 हो गया। ये हमारा क्या आ गया, सीधा सीधा 24। सिंपल सा कैलकुलेशन है। 16 को हम लोगों ने 8 × 2 लिख दिया है और 8 × 2 और यहाँ से 8 का वर्ग तीनों से बाहर ले लिया, तो 8 का वर्ग यहाँ से बाहर आएगा तो 2 का वर्ग बचेगा, यहाँ 2 का वर्ग 1 और 8 के वर्ग को जब हम लोग अंडर रूट के बाहर निकालेंगे तो बाहर 8 आएगा और ये 9 हो गया और 9 का अंडर रूट 3, तो 8 × 3 = 24 हो गया ये। अब हम लोगों को जो चाहिए वो हमारा हो गया, तो सदिश a प्लस बी और a माइनस बी पर लंब दिशा में एकांक सदिश बराबर, सीधा सा हमारा क्या होता है, प्लस माइनस दो होंगे और ये क्या जो हमारा ये आया है 16i माइनस 16j माइनस 8k, ठीक है। ये जो हमारा a प्लस बी क्रॉस a माइनस बी आया है 16i माइनस 16j माइनस 8k अपान उसका मैग्नीट्यूड 24, और हम लोग क्या करेंगे 8 से ऊपर नीचे भाग दे सकते हैं, तो दिस इक्वल टू प्लस माइनस ये हमारा हो जाएगा 2i माइनस 2j माइनस k अपॉन 3, 2i माइनस 2j, 2i माइनस 2j माइनस k बाई 3। तो ये सिंपल सा क्वेश्चन हो गया। आपको इसमें ये याद रखना है कि दो वेक्टर a और b पर लंब दिशा में एकांक वेक्टर हमारा क्या होता है, प्लस माइनस a क्रॉस b अपॉन मॉडुलस ऑफ a क्रॉस b। अगर आपको दो वेक्टर a और b दिए हैं और पूछा जाए कि दोनों वेक्टर a और b पर लंब वेक्टर हो और एकांक वेक्टर हो, तो आप सबसे पहले a क्रॉस b निकालिए फिर a क्रॉस b का मॉडुलस, तो ये फार्मूला हमारा आ जाएगा प्लस माइनस a क्रॉस b अपॉन a क्रॉस b का मॉडुलस। अब क्वेश्चन नंबर थर्ड हम लोग देखते हैं। थर्ड क्या कह रहा है कि यदि एक मात्रक सदिश ए आई के साथ पाई बाई 3, जे के साथ पाई बाई 4 और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, तो थीटा का मान ज्ञात कीजिए और इसकी सहायता से ए के घटक भी ज्ञात कीजिए। तो सिंपल सा क्वेश्चन है इसमें हमारा जो दिया है, ए हमारा क्या है, एक मात्रक सदिश है, एक मात्रक सदिश है। तो माना हम लोग क्या करेंगे, ए को मान लेंगे, माना ए बराबर ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप, घटक रूप में ही हम लोग मानेंगे क्योंकि घटक भी लास्ट में ज्ञात करना है। तो ये हम लोगों ने वेक्टर ए मान लिया, ए वन आई कैप प्लस ए टू जे कैप प्लस ए थ्री के कैप। अब हमारा दिया है सदिश ए, सदिश ए मात्रक सदिश है, मात्रक सदिश है, अतः जो ए वेक्टर का मॉडुलस होगा उसकी वैल्यू होगी 1। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। ए आई के साथ पाई बाई 3 यानी 60° का कोण बनाता है, आई के साथ, तो यहां से हम लोग लिखेंगे ए आई के साथ, आई के साथ पाई बाई 3 और जे के साथ पाई बाई 4 का कोण बनाता है। तो यानी ए और आई के बीच का एंगल कितना है, 60° है। तो देखिए हम लोग क्या करते हैं, ए और आई के बीच का कोण हमको दिया है और ए का मॉडुलस भी पता है हमको और आई का मॉडुलस भी पता है,
तो ए और आई का मॉडुलस भी पता है, ए और आई के बीच का एंगल भी पता है, तो हम लोग अगर ए क्रॉस आई निकालना चाहें, ए क्रॉस आई, तो ए क्रॉस आई वेक्टर हमारा क्या होगा, मॉड ए मॉड आई साइन थीटा यानी साइन पाई बाई थ्री 60 डिग्री। तो ए क्रॉस आई की वैल्यू हमारी हो जाएगी मॉड ए 1 है, मॉड आई भी 1 है, और साइन 60 की वैल्यू रूट 3/2। तो ये ए क्रॉस आई हमारा हो गया पहले तरीके से, और ए इक्वल टू हमारा पता है ए 1 आई प्लस ए 2 जे प्लस ए 3 के है, और एक वेक्टर दूसरा हमारा आई है। तो ए क्रॉस आई निकालने के लिए हम लोग क्या लिखेंगे, जो डिटर्मिनेंट मेथड से निकालेंगे, आई जे के आई ए 1 ए 2 ए 3, और यहाँ पे दूसरे वेक्टर में आई का गुणांक 1, जे का 0, के का 0। तो यहाँ से अगर हम लोग ए क्रॉस आई निकालें तो पहला हमारा क्या होगा, आई इंटू, अब जिसमें आई हमारा है ये, और ये ख़त्म हो गया, ए 2 इंटू 0 माइनस ए 3 इंटू 0, ए 2 इंटू 0 माइनस ए 3 इंटू 0 माइनस जे कैप, अब हमारा जिसमें जे है ये, और ये ख़त्म हो जाएगा, तो ए 1 इंटू 0 माइनस ए 3, ए 1 इंटू 0 माइनस ए 3 इंटू 1 प्लस के कैप, प्लस के कैप ये हमारा ख़त्म हो जाएगा के, और ये, तो ए 1 इंटू 0 माइनस ए 2, ए 1 इंटू 0 माइनस ए 2 इंटू 1। तो ए क्रॉस आई इक्वल टू हमारा हो गया, ये वाला टर्म तो 0 हो गया, और ये माइनस प्लस ए 3, माइनस माइनस प्लस हो गया ए 3 जे कैप, और ये माइनस ए 2 के कैप। अच्छा, इस क्वेश्चन को हम लोग ए क्रॉस आई इक्वल टू ए 3 जे कैप माइनस ए 2 के कैप पता चल गया, और यहाँ से हमारा जो ए क्रॉस आई का मॉडुलस है ये हमारा मिल रहा है रूट 3/2। इसमें थोड़ा हम लोग जो अगर क्रॉस प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं तो ये थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, देखिए डॉट प्रोडक्ट का यूज करके थोड़ा आसानी से हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि डॉट प्रोडक्ट निकालना आसान होता है क्रॉस प्रोडक्ट की कंपैरिजन में। तो ए और आई के साथ पाई बाई थ्री का कोण है, तो हम लोग अगर यहाँ से निकालेंगे ए वेक्टर डॉट आई वेक्टर, तो ये हम लोग ख़त्म कर देते हैं, ये क्रॉस प्रोडक्ट का यूज हम लोग नहीं करेंगे क्योंकि लेंदी हो जाएगा, यहाँ ए क्रॉस आई वेक्टर ये आ गया, अब इसका मॉडुलस लिखेंगे तो दो इक्वेशन बनना शुरू हो जाएगा। तो सिंपल से हम लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, ए वेक्टर डॉट आई वेक्टर इक्वल टू हमारा क्या होता है, मॉड ए मॉड आई कॉस थीटा, थीटा हमारा कितना है 60 डिग्री। तो दिस इक्वल टू 1 इंटू 1 इंटू कॉस 60 की वैल्यू 1/2, और ए डॉट आई हमारा क्या होगा, मतलब ए 1 आई प्लस ए 2 जे प्लस ए 3 के डॉट आई, दिस इक्वल टू कितना हमारा आ रहा है 1/2, और यहां से डॉट प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूटिव होता है, तो ये हमारा हो जाएगा ए 1 आई डॉट आई प्लस ए 2 जे डॉट आई। अच्छा, डॉट प्रोडक्ट में हमारा आई वाले का आई के साथ गुणा, जे वाले का जे के साथ गुणा, तो हमारा आई वाले का आई के साथ सीधा सीधा हो जाता है, जैसे आपका अगर ए इक्वल टू ए 1 आई प्लस ए 2 जे प्लस ए 3 के है, और बी इक्वल टू बी 1 आई प्लस बी 2 जे प्लस बी 3 के है, तो यहाँ से ए डॉट बी हमारा सीधा सीधा हो जाता है आई वाले का आई के साथ, ए 1 बी 1 जे वाले का जी के साथ, प्लस के वाले का के के साथ। तो आई वाले का गुणांक 1 है, तो यहाँ पे ए 1 इंटू 1 प्लस यहाँ पे ए 2 है जे का गुणांक, लेकिन यहाँ पे जे का गुणांक 0 है, यहाँ पे के का गुणांक ए 3 है लेकिन यहाँ पे 0 है, तो इक्वल टू 1/2। तो यहाँ से ए 1 इक्वल टू हमारा 1/2 आ गया।
ठीक है। तो अगर हम लोग डॉट प्रोडक्ट का यूज कर रहे हैं तो देखिए सिंपल सा तुरंत ही a1 की वैल्यू उन लोगों को पता चल गई 1/2। अब हम लोगों का पता है कि j के साथ पाई बाई 4 का कोण बनाता है, j के साथ पाई बाई 4, तो वेक्टर a डॉट j इक्वल टू हम लोग क्या लिखेंगे, मॉड a मॉड j और इनके बीच के एंगल का कॉस थीटा यानी कास 45 डिग्री। तो मॉड a की वैल्यू 1, मॉड j की वैल्यू भी 1 और कास 45 की वैल्यू होती 1/√2। और a डॉट j हमारा क्या होगा, a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट, j को हम लोग ऐसे लिख देते हैं 0i प्लस j प्लस 0k, इससे हमको पता रहेगा दिस इक्वल टू क्या है 1/√2। अब i का i के साथ गुणा करेंगे डॉट प्रोडक्ट ले, a1 इंटू 0 प्लस a2 इंटू 1 प्लस a3 इंटू 0 इक्वल टू 1/√2। यहाँ से हमारा क्या आ गया, a2 इक्वल टू 1/√2। और एक पॉइंट हम लोगों का दिया है कि k के साथ हमारा जो वेक्टर a है k के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है, k के साथ थीटा बनाता है, मतलब सदिश a तथा k के बीच का कोण थीटा है, ठीक है। तो हम लोग सदिश a डॉट k कैप निकालेंगे तो ये क्या होता है, मॉड a मॉड k cos थीटा, ठीक है। मॉड a की वैल्यू 1, मॉड k की वैल्यू 1 cos थीटा, और a हमारा क्या है, a1i प्लस a2j प्लस a3k डॉट k कैप इक्वल टू cos थीटा। अब i का गुणांक यहाँ पे 0 है तो a1 इंटू 0 हो जाएगा, a1 इंटू 0 प्लस j का गुणांक भी यहाँ पे 0, a2 इंटू 0, k का गुणांक यहाँ पे a3, यहाँ पे 1 इक्वल टू cos थीटा। तो यहाँ से हमको पता चल गया a3 इक्वल टू cos थीटा। अब हमको क्या निकालना है, cos थीटा की वैल्यू निकालनी है और a1 a2 a3 निकालना है। तो वेक्टर a का मॉडुलस हमारा क्या होगा, अंडर रूट ऑफ a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर दिस इक्वल टू 1 हो जाएगा, यानी हमारा a1 स्क्वायर प्लस a2 स्क्वायर प्लस a3 स्क्वायर की वैल्यू 1 होगी। और हमको a1 की वैल्यू पता है, a1 हम लोग समीकरण 1 मान लेते हैं, a1 इक्वल टू 1/2 और a2 इक्वल टू 1/√2 और a3 इक्वल टू cos थीटा समीकरण नंबर 3। तो समीकरण 1 2 तथा 3 से समीकरण 1 2 तथा 3 से a1 की वैल्यू हमारी है 1/2 यानी 1/2 का स्क्वायर प्लस a2 की वैल्यू 1/√2 का स्क्वायर प्लस a3 की वैल्यू है हमारा cos थीटा, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। यहां से 1/2 हमारा 1/4 हो गया और 1/2 प्लस 1/4, तो यहां से हमारा cos स्क्वायर थीटा हो गया 1 माइनस ये 1/2 प्लस 1/4 ये इधर आ जाएगा माइनस में, तो cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू ये हमारा हो जाएगा 1 माइनस 1/2 1/2 माइनस 1/4 ये आ जाएगा हमारा 1/4। तो cos स्क्वायर थीटा 1/4, तो यहाँ से हमारा जो cos थीटा आ जाएगा 1/2। और हम लोग cos स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4 माइनस वाला नहीं लेंगे क्योंकि थीटा की वैल्यू हमारी क्या है, एक्यूट एंगल दिया है 90 से कम, तो cos थीटा की वैल्यू हमारी क्या आ गई सीधा सीधा 1/2। और यही हमारा cos थीटा क्या है, a3 है, तो हमको पता चल गया a3 बराबर हमारा आ गया a3 बराबर 1/2। तो a1 भी पता है हमको, a2 भी पता चल गया और a3 भी पता चल गया और थीटा भी पता चल गया। cos थीटा इक्वल टू 1/2, इसका मतलब थीटा कितना रहा होगा, पाई बाई 3 यानी 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 की वैल्यू होती है 1/2। तो ये क्वेश्चन आपको फिर से एक बार बता दे रहे हैं, एक मात्रक सदिश हमारे, पूरा ध्यान से सुनिए फिर से आपका पूरा एकदम क्लियर हो जाएगा, ए हमारा एक मात्रक सदिश है
आई के साथ पाई बाई थ्री, जे के साथ पाई बाई फोर और के साथ एक न्यून कोण थीटा बनाता है। न्यून कोण का मतलब 90 से कम। तो हम लोगों ने ए वेक्टर को मान लिया ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के घटक फॉर्म में मान लिया, और ए का मैग्नीट्यूड 1 है तो मॉड ए बराबर 1। अब ए आई के साथ पाई बाई थ्री और जे के साथ पाई बाई फोर का कोण बनाता है। तो यहाँ पे ये हम लोगों ने जब किया था, ये जो रेड पार्ट है हमने क्रॉस प्रोडक्ट का यूज किया था, तो क्रॉस प्रोडक्ट से आपका थोड़ा सा बड़ा हो जाएगा, निकल जाएगा लेकिन थोड़ा सा बड़ा हो रहा है, इसीलिए हम लोग डार्क प्रोडक्ट का यूज करेंगे। क्योंकि ए और आई के बीच का कोण भी पता है, ए का मॉडुलस भी पता है, आई का मॉडुलस भी पता है, तो ए डॉट आई हमारा क्या होगा, मॉड ए मॉड आई कॉस थीटा, क्योंकि हमको पता है ए डॉट बी इक्वल टू मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। अब मॉड ए वन, ए वन कॉस 60 की वैल्यू 1/2, यानी ए डॉट आई की वैल्यू 1/2 आ गई, और हमारा ए वेक्टर क्या है, ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के डॉट आई कैप। अब a इक्वल टू ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के हो, b इक्वल टू बी वन आई प्लस बी टू जे प्लस बी थ्री के, तो a डॉट b हमारा i वाला i के साथ गुणा ए वन बी वन प्लस ए टू बी टू प्लस ए थ्री बी थ्री हो जाता है। तो यहाँ पे i को छोड़ के बाकी टर्म जो है जीरो हैं, तो i वाला गुणा हो जाएगा ए वन इंटू वन, बाकी वाले जीरो, यानी ए वन इक्वल टू 1/2। फिर j के साथ पाई बाई फोर का कोण बनाता है, तो a डॉट j हम लोग फिर निकालेंगे, a डॉट j इक्वल टू मॉड a मॉड j cos 45, तो मॉड ए की वैल्यू 1 मॉड जे की वैल्यू 1 इंटू 1/√2, यानी ए डॉट जे, यानी ए वन आई प्लस ए टू जे प्लस ए थ्री के डॉट जे को ऐसे भी लिख सकते हैं कि 0, यानी आई का गुणांक 0 आई प्लस जे प्लस 0 के इक्वल टू 1/√2, आई वाले का आई के साथ गुरु खत्म 0, जे वाले जे के साथ गुणा तो ए टू इंटू 1, और के वाले का यहाँ 0 है, तो यानी ए टू बराबर आ गया हमारा 1/√2। ए तथा के बीच का कोण दिया आपका थीटा, तो ए डॉट के इक्वल टू मॉड ए मॉड के कॉस थीटा 1/1 इंटू कॉस थीटा, और ए हमारा क्या है ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री डॉट के इक्वल टू कॉस थीटा, तो के को छोड़ के बाकी टर्म जीरो हैं, तो इसका डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा ए थ्री इंटू 1 बराबर कॉस थीटा, तो ए थ्री बराबर हमारा आ गया कॉस थीटा, और मॉड ए की वैल्यू 1 है तो अंडर रूट ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर इक्वल टू 1 स्क्वायर कर देंगे, तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ए वन स्क्वायर प्लस ए टू स्क्वायर प्लस ए थ्री स्क्वायर इक्वल टू 1, इसको समीकरण नंबर 4 मान लें, तो हम समीकरण 1, 2 तथा 3 से तथा 4 से तथा 4 से इनका यूज करेंगे, तो ए वन ए टू ए थ्री की वैल्यू यहाँ पे हम लोग रख दिए, तो ए वन की वैल्यू 1/2 रखा, ए टू की वैल्यू 1/√2 रखा, ए थ्री की वैल्यू कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये 1/4 हो गया प्लस 1/2 हो गया, तो उधर जाके माइनस हो जाएगा, तो कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 माइनस 1/2 प्लस 1/4, ये हमारा हो गया कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1/4, तो कॉस थीटा की वैल्यू आ गई हमारा 1/2, क्योंकि माइनस वाला वैल्यू हम लोग नहीं लेंगे, क्योंकि थीटा की वैल्यू एक्यूट एंगल है 90 से कम है, तो कॉस थीटा की 1/2 आ गया, तो थीटा कितना होना चाहिए हमारा 60 डिग्री, क्योंकि cos 60 की वैल्यू 1/2 होती है, तो थीटा हमारा पता चल गया, ये 60 डिग्री लिखा है, थीटा हमारा हो गया 60 डिग्री। चलिए यहां पे दोबारा लिख देते हैं, थीटा इक्वल टू 60 डिग्री हमारा आ गया, और cos थीटा की जो वैल्यू है 1/2 वही हमारा a3 हो गया, तो a3 भी हमको पता चल गया, a2 भी पता चल गया, और a1 भी पता चल गया, तो थीटा और a1 a2 a3 ये हम लोगों ने पता कर लिया।